बाइक से गिरकर घायल हुए युवक की हुई मौत, घटना स्थल पर ही छोड़कर भाग गया था दोस्त। परिजनों ने जताई हत्या के साजिश की आशंका। दरअसल गोढ़ी के निजी स्कूल के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर एक युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय बाइक में सवार दोस्त भाग निकला। उसने परिजनों को सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। जब तक परिजन जिला अस्पताल पहुंचते युवक की मौत हो चुकी थी। मामले में परिजनों ने हत्या के साजिश की आशंका जताई है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर चौकी क्षेत्र के साडा कॉलोनी में सोनाऊराम यादव रहता है। उसकी इकलौते पुत्र किशन की दोस्ती बुधवारी बस्ती निवासी यशवंत कुमार साहू से थी। वे दोनों दोपहर में गोढ़ी के जंगल में चल रहे छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। गोढ़ी के पास जैन पब्लिक स्कूल के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान अनियंत्रित बाइक सहित युवक सड़क पर गिर गए। घटना में किशन गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले दोस्त यशवंत उसे उठाने का प्रयास करता रहा, इसके बाद मौके से भाग निकला। किसी ग्रामीण ने किशन को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। तब तक डॉक्टर परीक्षण कर किशन को मृत घोषित कर दिए थे। इधर पुलिस शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा रही है। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। दोनों दोस्त गए थे, इन लोग अब घूमने गए थे कि क्या करने गए थे, वो शूटिंग चल रहा था, बोल रहे थे तो उसी को देखने के लिए गए थे छत्तीसगढ़ ही वाला। अब गोढ़ी में कहाँ पसते हो ना, कहाँ पस है ये मैं नहीं बता। हाँ, वही लड़का था एक जने, घटना को देख रहे हैं उस तरीके से आशंका की उम्मीद है। अब कुछ तो न कुछ न कुछ तो है, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कहा जाए। अब वैसे तो अब एक्सीडेंट जिस तरीका से हुआ है ना, उसको देखते हुए और जैसे गले वाले में रस्सी वस्सी के निशान है, तो उससे थोड़ी सी आशंका भी है। हत्या की बताओ क्या लग रही है, खुल के बोला खुल के? हाँ हाँ, वही हत्या टाइप लग रही है। किसके ऊपर जैसे छोड़कर भागा है ना, तो उसी के ऊपर मतलब लग रहा है कहा जाए, भागा है तो इसलिए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।